साथियों, भाजपा की डबल इंजन सरकार की हर योजना के मूल में माताएं, बहनें और बेटियां हैं। शौचालय के अभाव में, गैस कनेक्शन के अभाव में, बिजली और पानी के अभाव में सबसे अधिक परेशानी अगर किसी को होती है तो परिवार में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को होती थी। उज्ज्वला योजना के कारण आदिवासी परिवारों की, दलित पिछड़े परिवारों की, करोड़ों बहनों के धुएं से मुक्ति मिली है। और आपको कुछ ही दिन पहले रक्षाबंधन पर एक और खुशखबरी मैंने भेजी थी, उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर 500 रुपया सस्ता कर दिया गया। बहनों को पानी के लिए घर से दूर ना जाना पड़े, इसका बीड़ा भी आपके इस भाई ने उठाया है। हर घर जल अभियान के तहत मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों को नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। और वो दिन दूर नहीं जब एमपी के हर घर में पाइप से पानी की सुविधा होगी। साथियों, डबल इंजन सरकार का क्या फायदा होता है, इसका एक और उदाहरण हमारे जनधन खाते हैं। मोदी ने महिलाओं के बैंकों में खाते खुलवाए, हर लाभ उन बैंकों के खाते में पहुंचे, इसकी व्यवस्था की। यहां मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने उन बैंक खातों के माध्यम से बहनों बेटियों तक सीधी सहायता पहुंचाई। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। गर्भवती माताओं को भी अच्छा पोषक आहार मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना चल रही है। इसके तहत भी मध्य प्रदेश के लाखों बहनों को 1600 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मेरे परिवारजनों, माताओं बहनों के सशक्तिकरण की सच्ची कोशिश भाजपा सरकार की सही पहचान है। इसलिए भाजपा ने महिलाओं को दी गई अपनी एक एक गारंटी पूरी की है। महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात पर कांग्रेस बरसों तक बैठी रही। हमने नारी शक्ति बंधन अधिनियम लाकर महिलाओं की बरसों पुरानी मांग पूरी की। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है जो एक परिवार से बाहर देख ही नहीं सकती, इसलिए आदिवासियों के सच्चे सशक्तिकरण के लिए भी उसने कभी काम नहीं किया। आप याद कीजिए, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति जी का कांग्रेस ने कितना घनघोर विरोध किया था। भाजपा के ही एक पुराने नेता को उनके खिलाफ मैदान में उतारकर कांग्रेस ने दिखाया कि वो आदिवासी बेटी को रोकने के लिए किस हद तक जा सकती है। इसलिए पूरे देश का आदिवासी समाज कांग्रेस से बहुत नाराज है, कांग्रेस को सजा देने के मूड में है।